हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नोकिया G10 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है स्टेटस बार को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं और इसे रीसेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में स्टेटस बार ओपन करना है इस तरीके से। तो ये आपका स्टेटस बार है जिसमें आपको वाईफाई आइकन, ब्लूटूथ आइकन, ये सभी आइकन आपको दिखाई देते हैं। आपको स्टेटस बार को ये जो है लेफ्ट साइड पे पेंसिल का ऑप्शन होता है, इसे आपको सेलेक्ट करना है तो आपका स्टेटस बार फुल पेज में ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको स्टेटस बार के नीचे की साइड में आना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे आइकन दिखाई देते हैं जो कि आपके स्टेटस बार में नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे नियर बाय शेयर, टीवी रिमोट, सिस्टम अपडेट, ये सभी आइकन, कैलकुलेटर। ठीक है, तो इन सभी आइकन्स को आप जो है अपने स्टेटस बार में ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी को भी एक या दो तीन ऐसे ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सबको करना है। अगर सबको करना है तो सबको भी कर सकते हैं। कैसे करना है ऐड, ये जो नियर बाय का शेयर का जो ऑप्शन है ना, यानी आइकन है, इसको आपको उंगली से प्रेस एंड होल्ड करना है। इसके बाद आपको ऊपर की साइड इसको स्लाइड करते हुए ले जाना है इस तरीके से, और आपको यहाँ पर इसे पुट कर देना है। ठीक है, पुट कर देना है तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। और ध्यान रखिए, पुट कहाँ पे करना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो होल्ड एंड ड्रैग लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये होल्ड एंड ड्रैग लिखा हुआ है, इसके ऊपर वाली कैटेगरी में आपको पुट करना है, तो आपका स्टेटस बार में ये आइकन ऐड हो जाएगा, जो सा भी आप आइकन जो है ऐड करेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे इस नियर बाय शेयर, ये मेरे स्टेटस बार में ऐड हो चुका है। ठीक है, अब इसी तरीके से आप अपने स्टेटस बार का कोई भी आइकन जो है आप उसे हाइड कर सकते हैं, हटा सकते हैं अपने स्टेटस बार से। कैसे, जैसे ब्लूटूथ का आइकन है, आपको इसे भी है ना प्रेस एंड होल्ड करना है, यानी उंगली से दबा के रखना है और इसे नीचे घसीटते हुए लाना है, और यहाँ पर आपको इसे पुट कर देना है। ठीक है, पुट कहाँ पर करना है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको इसे जो है ना होल्ड एंड ड्रैग, ये जो लिखा हुआ है होल्ड एंड ड्रैग लिखा हुआ है, इसके नीचे वाली कैटेगरी में आपको पुट करना है। ठीक है, तो आपका ये जो है ना आपके स्टेटस बार से ब्लूटूथ का आइकन हाइड हो जाएगा। ठीक है, आप इसी तरीके से किसी भी आइकन को हाइड कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं अपने स्टेटस बार से। इसी तरीके से आप ये जो है स्टेटस बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब इसे रीसेट कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपके स्टेटस बार में राइट साइड के टॉप पर थ्री डॉट का ऑप्शन है, इसे सेलेक्ट करना है तो आपका ये जो है एक रीसेट का ऑप्शन ओपन होगा, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका स्टेटस बार रीसेट हो जाता है। आपका पूरा मोबाइल फ़ोन रीसेट नहीं होगा, आपका सिर्फ स्टेटस बार रीसेट होगा। और रीसेट होने से होता क्या है कि आपका स्टेटस बार जो है ना आपके मोबाइल फ़ोन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है फिर से। जैसे ये देखिए, जो ये ब्लूटूथ का आइकन मैंने नीचे ही से ले गया था, इसे हाइड करा था, तो ये अपनी जगह पर आ गया, और यहाँ पर ये जो नियर बाय शेयर का जो आइकन मैंने स्टेटस बार में ऐड करा था, ये नीचे की साइड में आ गया है अपनी जगह पर। तो ये सेटिंग जो है ना स्टेटस बार को आप इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं और इसे रीसेट कर सकते हैं। ठीक है,